हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। कहता है कि हमें यूक्लिड एल्गोरिदम के हिसाब से इसका यूज करके हमें एचसीएफ निकालना है 135 एंड 225 का। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, तो चलिए जैसा कि हमने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए जो होता है वह डिविडेंड होता है, बी जो होता है डिवाइजर होता है, क्यू जो होता है क्वोशेंट होता है, और आर जो होता है रिमाइंडर होता है। सो गाइज, हम इसको इसी इक्वेशन के थ्रू हम इसको करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। अब 225 को ही 135 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम उसको डिविडेंड लेते हैं जिसको जो बड़ा होता है, जो उन दोनों नंबर्स में बड़ा होता है, हम उसी को डिविडेंड लेते हैं, उसी को ए लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 225 को हमने किया 135 से डिवाइड किया, 135 कि 2 टाइम्स 132 270 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है हम उसे ले नहीं जा सकते, तो इसमें आएगा 90। अब हम इसको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। अब हमें इसको तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, जब भी हमें एस सी एफ निकालने को कहे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से। तो हम इसको फिर से करेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, अब हम इस बार 225 को नहीं डिवाइड करें, अब इस बार हम 135 मतलब कि डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, 135 को हम 90 से डिवाइड किए तो आएगा 90 2 180 91 90, तो आया 45। इसको भी हम फिर लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, तो आएगा 135 इज इक्वल टू 90 into 1 plus 45। अब फिर हम इसको यही करेंगे, फिर 90 को इस बार हम डिविडेंड बनाएंगे और 45 को डिवाइजर बनेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक इसकी रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो ना आ जाए, जहाँ पर जीरो आ जाएगा वहीं हमको एस सी एफ मिल जाएगा। तो हम इसको फिर से करते हैं, इस बार 90 upon 45 to the 90 upon 0, क्योंकि 45 to the 90 90 90 90 का। तो अब इसको फिर हम वही लिखेंगे, 90 is equal to 45 into 2 plus 0। अब इसमें एच सी एफ कौन सा आएगा, एस सी एफ हम उसको लेते हैं जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए और उसमें जो डिवाइज़र रहे उसको हम एस सी एफ मानते हैं, उसको हम एस सी एफ लेते हैं। तो यहाँ पर डिवाइज़र क्या है, 45, तो यहाँ पर द एस सी एफ एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225 का एस सी एफ आएगा इज 45। देखो गाइस, अगर हमें कोई भी जैसे दो नंबर दिया गया उसका एस सी एफ का है और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, तो हम क्या करेंगे, उसमें से पहले हम बड़ी वाली संख्या को डिविडेंड लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे उससे छोटी वाली संख्या से। जब उससे डिवाइड करेंगे तो उसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार लिखेंगे, जैसे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अनुसार लिखेंगे। तो हमने ऐसा किया, इसको हम तब तक करेंगे
जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अगर हमने पहले किए एक स्टेप, उसके बाद हम डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे, मतलब कि डिवाइजर को हम फिर उसके बाद रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, और जहाँ भी हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया तो वहाँ पे हम जो डिवाइजर रहेगा वही हमारा HCF रहेगा। सो गाइज, अब सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन में है 196 एंड 38220। गाइज ए रफ वर्क था। अब इसमें भी हम यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन का यूज़ करेंगे, जो कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे कि हमें पहले इसमें बड़ा नंबर हमें ढूंढना होगा, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे उससे छोटे नंबर से। तो 38220 को हम 196 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करते हैं, 38220 196, अगर हम बेसिकली अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 195। अब 195 क्यों आएगा? क्योंकि 195 अगर हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 195 आएगा, क्योंकि मैंने इसको पहले से कैलकुलेट कर लिया है। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, मैं इसको इसलिए वैसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा तो इतना आएगा, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो क्या आएगा, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस ज़ीरो, पर जो ये CF हुआ वह हुआ 196, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस समय रिमाइंडर जीरो आ जाए और उस समय जो होगा उस समय का जो डिवाइजर होगा वही HCF होगा। तो यहाँ आपका HCF जो होगा वो होगा 196। अब हम गाइस थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 1867 एंड 255। अब इसमें भी हम वही करेंगे, पहले बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 867 अपॉन 255। अब इसको कितने टाइम्स हम ले जाएं, 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स जाएगा। 3 3 5 15, 15 आया। फिर इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अनुसार लिखेंगे। तो ए जो आएगा यहाँ पर 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब 255 को करेंगे, 255 को अगर हम डिवाइड करते हैं 102 से आएगा 2 4, आएगा 51। तो इसको करेंगे तो आएगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब फिर क्या करेंगे हम इसको 102 मतलब 102 को हम 51 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आएगा फिर उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में के अनुसार करेंगे, तो आएगा 51 102। मतलब कि अब इसको फिर से यहाँ लिखते हैं, तो आएगा 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर जो HCF आया वो हमारा 51 आया, ये यहाँ पर HCF है, क्योंकि हमने आपको बताया था जिस समय रिमाइंडर जीरो आ जाए और उस समय जो डिवाइजर रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। सो गाइस, आज के
वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।